तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीवुड जगत में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर 2023 में कौन है सबसे ज्यादा अमीर। जी हाँ, साउथ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा आखिर किस एक्टर के पास है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और साउथ की फिल्मों को दिल से पसंद करते हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले हमने जिसको रखा है वो है साउथ के सुपरस्टार और KGF जैसे बड़ी फिल्मों देने वाले सुपरस्टार। यस जी हाँ, वैसे तो इनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है, लेकिन दोस्तों ये यस के नाम से साउथ में मशहूर हैं। हालांकि इनकी फैन बेस बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा हो गई है और हिंदी जाने वाले इनको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर ये अपनी कई बड़े हिट फिल्में दे चुके हैं, यस अपने फिल्मों में कई करोड़ रुपए का चार्ज भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, दोस्तों लगभग 60 करोड़ रुपए अभी तक इनकी नेटवर्थ बताई जा रही है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कमाई के कई सारे जरिए हैं जो कि सुपरस्टार यश को काफी ज्यादा अमीर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एक और साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू की। जी हाँ, वैसे तो महेश बाबू अपने फिल्मों से ज्यादा एड करके ही कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी ये साउथ की फिल्में करते हैं तो लगभग करोड़ों रुपए का चार्ज लेते हैं। दोस्तों, साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू अपनी कई सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर भी हुई हैं, जिसके चलते दोस्तों इनके नेटवर्थ में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है। अगर हम बात करें कि आखिर ये कितने ज्यादा अमीर हैं और इनके पास कुल अभी तक कितना पैसा है, दोस्तों खबर के अनुसार इनके पास अभी 256 करोड़ रुपए यानी कि 33 मिलियन डॉलर की पूरी नेटवर्थ है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और दोस्तों, महेश बाबू नेटवर्थ के मामले में कईयों से बहुत ज्यादा आगे भी हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ के बाहुबली यानी कि प्रभास भाई की। जी हाँ, प्रभास तो वैसे कई बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं, जिनके चलते इनकी फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके कारण इनके नेटवर्थ में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हालिया में हुए सर्वे के अनुसार अभी तक इनके पास लगभग 237 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जी हाँ, 29 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखने वाले प्रभास का स्टारडम साउथ में काफी ज्यादा है। जी हाँ, वैसे तो ये ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास कई सारे बड़े बिजनेस भी हैं। जी हाँ, जिसके दम पर ये अपने नेटवर्थ लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये कई बड़े सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पा भाऊ यानी कि अल्लू अर्जुन की। जी हाँ, वैसे तो अल्लू अर्जुन की फैन बेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि दोस्तों हिंदी जानने वाले भी इनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं और अल्लू अर्जुन लगभग सभी इंडियंस के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए का चार्ज करते हैं। यहाँ यही कारण है कि अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ काफी ज्यादा हाई है। जी हाँ, ये कई बड़े सुपरस्टार से काफी ज्यादा आगे हैं और इनके पास दोस्तों बहुत सारा पैसा भी है। अगर हम बात करें कि आखिर इनकी नेटवर्थ है तो दोस्तों 460 करोड़ से ज्यादा की इनकी नेटवर्थ है। जी हाँ, अगर हम बात करें 50 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखने वाले अल्लू अर्जुन आखिर पैसा कहां से कमाते हैं, तो दोस्तों इनके कई सारे बड़े बड़े बिजनेस हैं। जी हाँ, जहां से इनके नेटवर्थ में काफी ज्यादा इजाफा भी होता है। दोस्तों, हम लास्ट में बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार रामचरण के बारे में। जी हाँ, रामचरण अपने कैरियर के शुरुआत से ही साउथ को कई बड़ी फिल्में दे चुके हैं। जी हाँ, इनकी फिल्में लगातार हिट भी रहती हैं और दोस्तों ये अपने एक फिल्म में काम करने के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए का चार्ज भी करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इनके पिताजी भी काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और ये अपने बिजनेस में काफी ज्यादा हिस्सा भी रखते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर इनका नेटवर्थ कितने करोड़ रुपए का है, दोस्तों सबसे ज्यादा नेटवर्थ रखने वाले रामचरण की कुल संपत्ति 1370 करोड़ से ज्यादा की है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने टाइम के एक्टरों में सबसे ज्यादा अमीर है रामचरण। जी हाँ, ये काफी बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। रामचरण अपने फिल्मों के साथ ही कई बड़े बिजनेस को भी चलाते हैं, जिसका यही वजह है कि अपने टाइम के कुछ बड़े एक्टरों में सबसे ज्यादा अमीर भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि रामचरण कई ऐसे गरीब संस्थान में भी दान करते हैं, जिसमें बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और उनके पूरे खर्चों का ध्यान भी रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे साउथ के सबसे ज्यादा अमीर एक्टर। जी लेकिन दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा एक्टर लगता है, आप हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।